पिचाई भाई साहब, कहां से निकला ये इंसान? साउथ इंडियन है ना, कोई यू नो रिच बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं। ये बंदा अपनी सोच से, अपने दिमाग से आज जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक, गूगल जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता, अल्फाबेट जिसकी अल्फाबेट एक्चुअली मदर कंपनी गूगल की, कोई लोगों को पता नहीं है। सो गूगल जैसी कंपनी, उनके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गूगल जैसी कंपनी के, नाउ थिंक ऑफ इट कि इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ, $600 मिलियन की नेटवर्थ, और ये बंदा एक साउथ इंडियन है, ठीक है। और अमेजिंग, मतलब इसके बारे में पढ़ोगे और इनकी जीवनी पढ़ोगे तो यार हैरान कर देने वाली जर्नी है, कहां से कहां पहुंच गया। और ये ना वाकई में बताता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से बैकग्राउंड से हो, अगर आप पे टैलेंट है ना और अगर आपका दिमाग चलता है तो कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हो। अब आप अंदाजा लगाओ, एक साउथ इंडिया के एक छोटे से गांव में पला बड़ा ये बंदा सुंदर पिचाई, पढ़ लिख के, थोड़ा बड़े बड़े सपने देख के, यू नो आईआईटी से पास आउट है मेरे ख्याल से, सबको पता होगा। सो आईआईटी से पास आउट होने के बाद जॉब्स के लिए यूएस गए, वहां से अपने दम पर गूगल में सेलेक्ट हुआ, और फिर गूगल में अपने दम पर गूगल क्रोम जैसी यू नो फैसिलिटी, वी कैन से गूगल क्रोम जैसी वी कैन से इन्वेंशन की, और आज गूगल क्रोम दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। आपको जानते हो, आप मतलब एक्सप्लोर करते ना, तो पहले माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते थे इंटरनेट एक्सप्लोरर, कुछ भी सर्च करना हो तो। आज इंटरनेट एक्सप्लोरर को इतना लोग सर्च नहीं करते, इतना यूज नहीं करते। यूसी ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम, तो आप ज्यादातर क्या यूज करते हो? गूगल क्रोम, है ना। और आप सोचो कि गूगल क्रोम का आइडिया किसने दिया था? इस बंदे ने। अगर ये नहीं होता तो गूगल क्रोम होता ही नहीं। और अपनी यूनिक क्वालिटीज की वजह से यार गूगल कंपनी का ये बंदा सीईओ है, इंडियन, इतने हम्बल लो बैकग्राउंड से निकल के बंदा कहां से कहां पहुंचे। अब आप अंदाजा लगाओ, इनकी सैलरी सुन के सबकी फट जाती है, मतलब ओ माय गॉड। ओके, सो ये मेरी लिस्ट।